हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस का मतलब, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंस। क्या? बैलेंस। केमिस्ट्री में रिएक्शन बैलेंस करते हो, एक में फोर्स बैलेंस करना, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस मतलब बैलेंस, बैलेंसिंग। अच्छा, ऐसा बोलोगे तो भी चलेगा। कॉन्करेंट फोर्स का मतलब क्या होता है? एक्टिंग ऑन वन पॉइंट, एक्टिंग ऑन एक्शन। ओके, अच्छा एक्शन लिख दी, एक्शन ऑन वन पॉइंट, वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे जब एक्शन लगेगा तो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक ऐसा पॉइंट है ठीक है, जिस पे इस डायरेक्शन में ऐसा F1 फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में F2 लग रहा है, इस डायरेक्शन में F3 लग रहा है, इस डायरेक्शन में F4 लग रहा है, इस डायरेक्शन में F5 F6 कितने भी चाहे लगा लो, ठीक है। तो अगर इन सब का समेशन जीरो होता है, इफ F1 बार प्लस F2 बार प्लस F3 बार प्लस अप टॉप टू कितना बार F6 बार इज इक्वल्स टू 0 न्यूटन, ये सब फोर्स मिला के कितना आंसर बनता है अगर 0 न्यूटन, तो हम क्या बोलेंगे कि जिस बॉडी पे ये फोर्स लग रहा है ना, वो सब इक्विली, वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ओके, तो ऐसा हम देखें, देखो समेशन ऑफ एफ आई, आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, कितने फोर्स है पता नहीं, वेक्टर एडिशन करना है, इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0, मतलब कि सब एक दूसरे को कैंसल करेंगे ऐसा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर वर्ड में लिखे तो वर्ड में क्या लिख सकते हैं, देखो, इफ नेट फोर्स एक्सटर्नल की बात कर रहा हूँ बच्चों, इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। हमने देखा था कि हम बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे ऐसा, इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो देन बॉडी इज सेड टू बी, देन बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। हम क्या बोल सकते हैं, बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। और इस केस में आप वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी अप्लाई कर सकते हो, क्यों, क्योंकि सब फोर्स मिला के कितना हो रहा है, 0, मतलब कि बाहर का कोई फोर्स लग रहा नहीं है, समझ में आया कि नहीं। तो देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर आपको ऐसा मिल गया कि इसके दो कंपोनेंट आप करो, ठीक है, एक कंपोनेंट आप इधर ले लो, एक कंपोनेंट इधर, ये तो F3 खड़ा ही है, इसके दो कंपोनेंट करो, सॉरी F4 तो इस डायरेक्शन में है ही, अभी F5 के दो कंपोनेंट करो, फिर F7 के दो कंपोनेंट करो, ठीक है। तो होगा क्या, सिर्फ बचेंगे 4, कितने बचेंगे, 4, 4 मतलब कि कौन, एक तो F5 चला गया, कौन चला गया, F5, दूसरा कौन चला गया, F2, तीसरा कौन चला गया, F7, ठीक है। तो इतने फोर्स चले गए तो सिर्फ बचे कितने फोर्स, 4, एक हो गया राइट हैंड साइड फोर्स, ठीक है, राइट हैंड साइड वाला, इन सब को ऐड कर दो, एक हो गया लेफ्ट हैंड साइड वाला फोर्स, इन सब को ऐड कर दो, फिर एक हो गया ये फोर्स, इन सब को ऐड कर दो और इन सब को ऐड कर दो, फिर ये जो फोर्स मिले ना, ये जो इसको मान लो फोर्स नंबर 1, फोर्स नंबर 2, फोर्स नंबर 3 और फोर्स नंबर 4, फिर 1 वाले फोर्स को 3 से इक्वेट कर दो और 2 वाले फोर्स को 4 से इक्वेट कर दो। इक्वेट क्या करना, हो गया इक्वेट, हमेशा ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि अगर इक्वेट हो गया तो इसका मतलब ये है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है,
और अगर कुछ ऐसा है कि कोई फोर्स आपको दिया नहीं है और आपको फाइंड करना है, तो फोर्स और ऐसा कंडीशन दिया है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, देखो अगर दो फोर्स लग रहे हैं, इन केस ऑफ टू फोर्स, इन केस ऑफ टू फोर्स, ठीक है, तो बहुत सिंपल है, एक फोर्स अगर इधर लग रहा होगा तो दूसरा फोर्स एग्जैक्टली उससे अपोजिट ही होगा, ये गारंटी है। ठीक है, एक फोर्स अगर, मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे ये पक्का होगा, और मैग्नीट्यूड भी कैसा होगा, सेम टू सेम होगा। एक फोर्स अगर इधर लग रहा है तो एक फोर्स इधर लग रहा होगा, एक फोर्स इधर लग रहा है तो एक फोर्स इधर लग रहा होगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ठीक है, ये दोनों, ठीक है, तो ये तो दो फोर्स की बात हुई, कितने फोर्स की बात हुई, दो, और उन दोनों के बीच में एंगल हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब बात करते हैं तीन फोर्स की, इन केस ऑफ थ्री फोर्सेस, थ्री फोर्सेस, ठीक है, थ्री फोर्सेस कैसे भी हो सकते हैं, सोचो, एक फोर्स F1 ऐसा है, दूसरा फोर्स F2 ऐसा है, ठीक है, और तीसरा फोर्स F3 ऐसा है, तीन फोर्स हो गए। अच्छा, मैंने कैसे भी ड्रॉ कर दिए हैं। ठीक है, तो अब क्या करें, अभी हम किसी एक्सिस को डिसाइड करेंगे। सबसे पहले पहला क्रम क्या होगा, किसी एक्सिस को डिसाइड करो, तो ठीक है, आप कहीं भी ले सकते हो एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये क्या हो गई, एक्स एक्सिस, ये हमारी हो गई वाई एक्सिस। ठीक है, एक बार एक्सिस डिसाइड कर ली, फिर कंडीशन के हिसाब से आपको फिर एंगल फाइंड करना आना चाहिए। सोचो कि इसका एंगल है θ1 और इसका एंगल है यहां से θ2, तो F1 के दो कंपोनेंट निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है, ये क्या हो गया, F1 cos θ1, ठीक है, सिर्फ समझना ही है बच्चों इसको, ठीक है, और ये हो गया F1 sin θ1। ठीक, अभी इस F2 के दो कंपोनेंट करें, F2 के दो कंपोनेंट cos और sin करें, ठीक है, यहां पर देखिए, ये हो गया F2 cos θ1, हम इसको नेगेटिव साइन बिल्कुल नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन में हमने उसकी नेगेटिव साइन को यूज कर लिया है, और एक दूसरा ये हो गया F2 sin θ1। बच्चों sin θ2, सॉरी, एक बात याद रखो, मैंने ये एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस लिए है ना, इसीलिए यहां पर कोस आया, अगर विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस होता तो यहां पर कोस आता। अब क्या करना है, बहुत सिंपल, हमें कितने फोर्स मिल गए, हमें बहुत सारे फोर्स मिल गए। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर मैं आपको अपने इमेजिनेशन में ऐसा करना है कि इसको निकाल देना है, चलो निकाल दिया, फिर इसको भी निकाल दो अपने इमेजिनेशन से, चलो निकाल दिया। ठीक है, अब कितने फोर्स बचे, तो F1 cos θ1, F1 cos θ1 इज इक्वल्स टू F2 cos θ2, ऐसा कर दो। ठीक है, फिर ऊपर ऊपर कितने फोर्स है, दो, तो दोनों को ऐड करो, पहले पहले ऐड करो कैसे, F2 sin θ2 प्लस F1 sin θ1 इज इक्वल्स टू F3। ठीक है, इसमें से F1 F2 या θ1 θ2 सब कुछ, मतलब कि थोड़ा दिया होगा और थोड़ा आपको फाइंड करना होगा, यहां तक फिजिक्स है, और इसके बाद आपका कॉमन सेंस काम करेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आपको अच्छे तरीके से। अच्छा, एक चीज मेरे दिमाग में और अभी आ रही है, आ गई आ गई आ गई, अच्छा, चलो बहुत आ गई, दिमाग में आ गई, अब बाहर निकल के आने वाली है, निकालू, चलो निकालता हूँ। एक फोर्स F1 ऐसा है, ठीक है, दूसरा फोर्स F2 ऐसा है, और तीसरा फोर्स F3 ऐसा है। ठीक है, सोचो F1 और F3 के बीच में एंगल हो अल्फा, ठीक है, फिर F2 और F1 के बीच में एंगल हो बीटा, और इस दोनों के बीच में एंगल हो गामा, तो
मैं F1 को पहले ड्रॉ करना चाहूंगा। चलो F1 को ड्रॉ किया, ठीक है। फिर वहां से F2 को ड्रॉ करना चाहूंगा, इसको F2 को, ठीक है। मैंने यहाँ सही तरीके से ड्रॉ नहीं किया है। और फिर ये हो गया हमारा F3, ठीक है। इन दोनों के F1 और F3 के बीच का एंगल कितना था? अल्फा। कितना था बच्चों? अल्फा, मतलब कि ये एंगल अल्फा। तो ये एंगल कितना हो गया? 180 माइनस अल्फा हो गया, ठीक है। अच्छा, ये बीटा था, तो ये कितना हो गया? 180 माइनस बीटा, ठीक। उसी तरह ये एंगल कितना हो गया? 180 माइनस गामा। अभी इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ F1 के करस्पॉन्डिंग होगी, ये लेंथ F2 के करस्पॉन्डिंग, और ये लेंथ F3 के। तो अकॉर्डिंग टू साइन रूल, अकॉर्डिंग टू साइन रूल, ठीक है, यहां बोल सकते हैं हम F1 अपॉन साइन, ये आला एंगल 180 माइनस गामा इज इक्वल्स टू F2 अपॉन, ये F2 तो उसके सामने वाला एंगल 180 माइनस अल्फा। यहाँ साइन में भूल गया, ओके, तो पहले साइन लिख देता हूँ। साइन 180 माइनस अल्फा और F3 अपॉन क्या आएगा? बिना देखे लिख सकते हो क्या? साइन, ये अल्फा गामा हो गया, तो यहाँ पर बीटा ही होगा। याद रखो, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। बेसिक कोर्स में मैं इसीलिए पढ़ाता हूँ, बहुत जगह यूज होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छी तरीके से देखो, आपको काम लगेगा इसको याद रखना, ठीक है। बहुत सारी जगह पर काम लगेगा, अकेला फोर्स में नहीं, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी 3 हो, मिल रही हो, 0 है, तो F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू, अच्छा सॉरी अल्फा नहीं, मैंने मुझे दिमाग में अल्फा कहाँ से आ रहा है, अल्फा नहीं, अल्फा नहीं, गामा आएगा। क्यों यहाँ गामा लिखा है? इसीलिए F2 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू F3 अपॉन साइन बीटा। भूलना मत, ये तो मैंने अल्फा बीटा गामा रेंडमली दे दिया था, इसलिए कुछ ऐसा गामा अल्फा बीटा ऐसा आया। लेकिन आप इसको इस डायग्राम के साथ थोड़ा सा करो ना, मेल करो क्या हो रहा है इसमें। तो F1 अपॉन उसके सामने वाला एंगल, F2 अपॉन उसके सामने वाला एंगल, और F3 अपॉन, अच्छा मैंने ये ट्राइंगल कंप्लीट क्यों कर दिया? बिकॉज यहाँ पर नेट फोर्स 0 होता है ना, इसीलिए। समझ में आया कि नहीं? तो ये होगा कब? वेन वेन F1 बार F2 बार एंड F3 बार आर इन इक्विलिब्रियम, आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। बहुत सारे फोर्स ऐसे हैं, मतलब कि जो बॉडी पे लग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोचो कि एक ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है, अभी इस पे नीचे mg लग रहा है, ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ये दोनों कैंसल हो गए, इक्विलिब्रियम में है, तो हम n इक्वल टू mg बोल सकते हैं। लेकिन हर बार n इक्वल टू mg नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पर ब्लॉक अगर स्टेडी है तो यहाँ पर mg ऐसे लग रहा है और n ऐसे लग रहा है, तो हमें n के दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। या तो देखो, मैंने क्या बोला था कि एक्सिस आप अपनी तरीके से चूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि हॉरिजॉन्टल एक्स वाई एक्सिस, आप ऐसा चूज कर सकते हो, ऐसा,
ठीक है, आगे जाके जब हम फ्रिक्शन बढ़ेंगे तब कई बार हमें मतलब कि ऐसे किस्से देखने को मिलेंगे कि हम इसको x एक्सिस चूज करेंगे और इसको y एक्सिस चूज करेंगे। तो अच्छी तरीके से आपको याद होना चाहिए कि किसको x एक्सिस और किसको y एक्सिस चूज करना है, मतलब कि जिस तरह इजी रहेगा उस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए एक एग्जांपल देखते हैं क्या दिया है एग्जांपल में, अच्छी तरीके से देखिए, इससे आपको समझ में आएगा थोड़ा सा क्या दिया। देखिए सी फिगर 5.8, मास ऑफ 6 किलोग्राम, ये मास आपको 6 किलोग्राम दिख रहा है, इज सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर फ्रॉम द सीलिंग। देखो ये 1 मीटर और ये भी 1 मीटर। द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अप्लाइड एट द मिड पॉइंट पी ऑफ द रोप, यहाँ कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, 50 न्यूटन। ठीक है, ओके, एज शोन। व्हाट इज द एंगल ऑफ रोप, व्हाट इज द एंगल रोप मेक्स विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। देखो हमें थीटा पूछा है, ठीक है, ओके। नेगलेक्ट द मास ऑफ द रोप। बच्चों सबसे पहले तो ये पी पॉइंट है, इसको मैं यहाँ डॉट ड्रॉ करता हूं। इसके ऊपर इधर टेंशन जा रहा है, कौन जा रहा है, टेंशन, मतलब एक फोर्स ऊपर लग रहा है। ठीक, टेंशन एक फोर्स ही है बच्चों, एक फोर्स नीचे लग रहा है, टी टू। ओह मैंने सिर्फ टू लिख दिया, क्या सोचेंगे, टी टू, दो ही फोर्स लग रहे हैं, नहीं एक फोर्स इधर भी लग रहा है और वो है 50 न्यूटन। ठीक है, हमें टी वन पता है क्या, नहीं। क्या हमें टी टू पता है क्या, नहीं। क्या हमें थीटा पता है, नहीं। हमें पता क्या है, अच्छा कुछ मत सोचना बच्चों हमें क्या पता है। अच्छा अभी इसमें इक्विलिब्रियम में है ये पी, तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या करें, अभी ये 50 को वैसे रहने देते हैं, मैं इसको एक्स एक्सिस मानता हूँ, आप भी मानो, मैं इसको वाई एक्सिस मानता हूँ, आप भी मानो। ठीक है, देखो थीटा किधर दिया है, मैं थोड़ी रेड इंक ले लेता हूँ। 50 को 50 रहने देते हैं, टी टू को टी टू रहने देते हैं और टी वन के दो कंपोनेंट निकालते हैं, क्या बोलते हो, सही है ना। तो यहाँ पर होगा टी वन कोस थीटा, देखो यहाँ पर वर्टिकल के साथ एंगल दिया होता है, मतलब कि जिस तरह सिचुएशन दी है इस तरह आपको बिहेव करना है। ये हो गया टी वन साइन थीटा, बहुत सिंपल। देयरफॉर टी वन साइन थीटा इक्वल्स टू 50 बोल सकते हैं, ठीक है। टी वन कोस थीटा इज इक्वल्स टू टी टू, टी वन नहीं पता, थीटा नहीं पता, टी टू नहीं पता, तीन चीज पता नहीं है और इक्वेशन दो ही मिले, बहुत नाइंसाफी। तो इसका मतलब हमें तीसरा इक्वेशन भी चाहिए, तो इसको चलो इस ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक को आप कहीं पे भी ऐसा ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, नीचे की ओर कौन सा फोर्स लगेगा, एम जी, एम जी वेट वाला, वेट। ठीक है, अभी ये कितना है, मास कितना दिया है, देखिए 6 किलोग्राम दिया है, तो 6 और जी इक्वल टू हमें 10 लेने को बोला है, तो इसीलिए तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिखाया है, 60। तो चलो मैं भी दिखा रहा हूँ 60 न्यूटन। अभी ऊपर बच्चों जब भी ऐसी रोड होना, यहाँ पर टेंशन सेम टू सेम रहेगा, ठीक है, रोड नहीं है सॉरी, थ्रेड है, टी टू रोप है सॉरी, ठीक है, लेकिन हमें रोप का मास कंसिडर नहीं करने को बोला है इसीलिए। तो टी टू इज इक्वल टू 60 न्यूटन, दो ही फोर्स लग रहे हैं, सो डायरेक्टली वी हैव अ टी टू इक्वल टू 60 न्यूटन। क्या बात है, टी टू इक्वल टू 60 न्यूटन मिल गया, उसको आप यहां रखो। देखो टी वन कोस थीटा इज इक्वल टू 60। अच्छा टी वन साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, टी वन साइन थीटा इज इक्वल्स टू 50। ये 0 0 कट हो गया, अच्छा कैसे हमने इसको डिवाइड किया बच्चों, तो टी वन कट हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 5/6। ये 5/6,
तो हमें थीटा मिल गया 10 इनवर्स 5 बाई 6। अब ये काम फाइंड करने का आपका। अभी इन दोनों को स्क्वायर करता हूं, टी वन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर। आप बोलोगे सर जीरो जीरो कट हो गया, वो तो डिवाइड किया था इसलिए हो गया, क्या आप भी सोचते हो। और ये हो गया 60 का स्क्वायर। टी में भी क्या कर रहा हूं, दिस इज अ टी वन ओनली, ओके। सो नाउ लेट्स एड देम, सो टी वन स्क्वायर विल रिमेन सेम इन बोथ, दैट्स व्हाई इट विल बी कॉमन, एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड हियर इट विल बी 50 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। सो टी वन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 50 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। सो फाइंड इट आउट योरसेल्फ, ओके। अच्छा एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं बच्चों। As shown in figure 5.5, two string AO and BO are tied with the rigid support and body of 20 kg mass is suspended with a third string OC. Can you see that? Yes. Okay. In the equilibrium condition of this entire system, the string AO and BO makes angle 60 degree and 30 degree respectively with horizontal. दिख रहा है? Okay. Assuming all the strings are massless, अभी इसका मतलब मैं थोड़ी देर के बाद समझाऊंगा बच्चों, पहले एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मासलेस है इसका मतलब ये है कि सारे पॉइंट पे टेंशन सेम है। यहाँ पर मासलेस है इसलिए मतलब कि सारे पॉइंट पर टेंशन सेम है, कितना T1। फाइंड द टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन प्रोड्यूस इन दिस स्ट्रिंग, मतलब हमें T1 चाहिए, T2 चाहिए और T3 चाहिए। अच्छा चलो T1 के दो कंपोनेंट यहाँ पर ही सब कुछ मैं कर देता हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये है T1 cos 30, ठीक है, और ये है, ये क्या है, ये है T1 sin 30। मैंने cos sin किस तरह लिया, समझ में आया आपको अच्छी तरीके से, आना चाहिए, ओके। चलिए इंक बदलता हूँ। अब ये हो गया T2 cos 60 और ये हो गया T2 sin 60, ठीक है, और T3 तो हमारा T3 ही है, T3 है, मैं क्या 3 लिख रहा हूं, ठीक। तो चलो क्या, चलो सॉल्व करो, T2 sin 60 प्लस T1 sin 30 इज इक्वल टू T3, और दूसरा T2 cos 60 इज इक्वल टू T1 cos 30, दो इक्वेशन मिले, ठीक है। पहले वर्टिकल का लिखा मैंने, इन दोनों को प्लस करना पड़ा मुझे, और यहां पर तो एक एक ही है इसलिए डायरेक्टली इक्वेट कर दिया। T1 T2 T3 तीन है और हमने तो दो ही इक्वेशन है हमारे पास, तो यहां पर भी ना इंसाफी है, ठीक है कोई बात। इस ब्लॉक का मास दिया है 20, तो हम इधर 20 × 10 करेंगे तो 200, पता चला ना वेट इक्वल टू mg। और इधर एक और मैं ड्रॉ करता हूं, ये होगा T3, क्या होगा T3, ये T3 है ना, यहां से देखेंगे तो ऊपर लगेगा, ऊपर से देखेंगे तो नीचे की ओर लगेगा। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, या तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों टेंशन ऊपर या नीचे से सेम लगता है। तो यहां पर देखिए डायरेक्टली T3 इज इक्वल टू 200 मिल गया, बहुत सिंपल तरीके से। तो T3 इक्वल टू हमारे पास आ गया है 200 न्यूटन, सब बच्चे यहाँ ध्यान दे, T3 इक्वल टू 200 न्यूटन आ गया है। अच्छा अभी ये दूसरा जो ये है फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये है सेकंड इक्वेशन। आप T2 × 1/2, ये 2 कैंसिल मत करना, T1 × √3/2, तो ये कैंसिल कर सकते हो। तो T2 इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला, √3 T1 मिला। चलो ऊपर रख देता हूं,
√3T1 पुटिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, पुटिंग T2 इन इक्वेशन 1, सो √3T1 इनटू साइन 60, साइन 60 व्हाट √3/2 प्लस T1 इनटू साइन 30 इट इज अ 1/2 इज इक्वल्स टू 200 राइट ओके फाइन सो हियर √3 इनटू √3 सो 3/2 T1 प्लस T1/2 इज इक्वल्स टू 200 राइट सो 3 + 1 = 4/2 सो 2T1 इज इक्वल्स टू 200 सो T1 इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन एंड वी गॉट T1 एंड यू नो वेरी वेल दैट T2 इज इक्वल्स टू √3T1 एंड √3 इंटू 100 ओके नाउ √3 इज व्हाट 1.73 सो 173 न्यूटन गॉट इट सो T2 इज इक्वल्स टू 173 न्यूटन ओके वन थिंग स्टूडेंट्स हियर व्हाट आई वांट टू से वन हियर इज द T1 अनदर हियर इज द T2 एंड थर्ड वन इज द T3 सो हाउ मच दिस एंगल विल बी 90 + 30 इट इज अ 120 degree राइट नाउ हाउ मच दिस एंगल विल बी 90 + 60 सो 90 + 60 दैट इज अ 150 degree एंगल ओके सो व्हाट एंगल दिस विल बी 150 + ओके दिस इज अ 60 + 30 90 सो रिमेनिंग विल ऑल्सो बी 90 सो दिस एंगल इज अ 90 फाइन सो हाउ वी कैन से इन द शॉर्टकट T3 अपॉन साइन 90 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन साइन 120 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन साइन 150 फाइन सो नाउ साइन 90 इज इक्वल्स टू 1 सो T3 इज इक्वल्स टू नाउ साइन 120 व्हाट इज साइन 120 साइन 120 ओके फर्स्ट ऑफ ऑल T साइन 120 साइन 90 + 30 सो इट इज अ cos 30 एंड इट इज अ √3/2 सो हियर आई विल राइट 2 एंड हियर आई विल राइट √3 राइट एंड दिस इज अ T2 ओके एंड T1 साइन 150 सो 90 + 60 सो cos 60 सो साइन 150 दैट इज 1/2 सो हियर 2T1 सो इन दिस वे ऑल्सो वी कैन गेट रिलेशन बिटवीन T1 T2 एंड T3 एंड देन आफ्टर एज यू नो वेरी वेल T3 इज इक्वल्स टू 200 सो इफ यू प्लस T3 इक्वल टू 200 सो 200 इज इक्वल्स टू 2T2 बाय √3 इज इक्वल्स टू 2T1 देयरफॉर डायरेक्टली फ्रॉम दिस व्हाट यू विल गेट T2 इज इक्वल्स टू 100 √3 एंड T1 इज इक्वल्स टू 100 फाइन ओके सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन इन दिस वीडियो ओनली दैट व्हाई इफ स्ट्रिंग इज ओके सी केयरफुली सपोज दिस इज अ स्ट्रिंग and this is a block of mass m okay as you hang the block of mass m the string will get tight yes or no and the, suppose initially molecules of the strings are like this but then after they will become like this means what somewhat tension get developed what is there tension get developed okay Now, after some time, this block is in the equilibrium. Okay, and suppose this is a point P. Fine. So, how much mass below P? This much. One is M and this much mass. That is M dash.
ओके, सो टोटल मास इफ यू कंसीडर बिलो पी इक्वल्स टू एम प्लस एम डैश, ओके, एंड अबव दैट इट इज अ टेंशन, सपोज दैट इज अ टीपी, टीपी, सो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम लाइक दिस. इन डाउनवर्ड डायरेक्शन देर इज अ वेट एम प्लस एम डैश इंटू जी, एंड अपवर्ड इज द टेंशन दैट इज अ टीपी, ओके, एंड इट इज इन द इक्विलिब्रियम, सो व्हाट यू कैन से टीपी इज इक्वल्स टू एम प्लस एम डैश इंटू जी. गेटिंग दिस वन? ओके, नाउ सपोज पी इज हियर और सपोज आई वॉन्ट टू फाइंड आउट क्यू, टी क्यू, एंड वॉट इज द टेंशन एट अ क्यू. सो डायरेक्टली कैन यू से लाइक दैट टी क्यू विल बी इक्वल्स टू एम प्लस सपोज दिस मच मास इज एम डबल डैश इंटू जी. सो वेन एवर यू वॉन्ट टू कैलकुलेट टेंशन वॉट यू हैव टू सी इज दैट हाउ मच मास बिलो इट. क्लियर? सो इन दिस सेंस वेयर विल बी द हाइएस्ट टेंशन इन दिस स्ट्रिंग? यू विल से सर हियर एट द हाइएस्ट पॉइंट, हियर टेंशन विल बी द हाइएस्ट, एंड एट दिस पॉइंट सपोज इफ आई मार्क इट विथ अ रेड कलर, ओके, देन यू विल से सर एट द रेड कलर टेंशन विल बी द हाइएस्ट, एंड एट दिस क्रॉस एज आई से हियर टेंशन विल बी मिनिमम, हियर हाइएस्ट टेंशन, हाइएस्ट टेंशन, एंड दिस इज द लोवेस्ट टेंशन. क्लियर? ओके, बट वाई? बिकॉज एट दिस पॉइंट वॉट इज द टोटल मास, मास ऑफ द स्ट्रिंग प्लस मास ऑफ द ब्लॉक. बट इफ वी कंसिडर, if we consider string is massless, string is massless string is massless, can it be possible? No, but let's suppose that if string is the massless, then what? Then suppose I am drawing again, if I ask you how much mass below this, you will say m. How much mass below this point? You will say sir simply m, because we are not going to consider the mass of the string. That's why tension at this point, at this point, at this point, everywhere tension will be same. Clear to you? But if we consider mass, then it will not be same. So write one point, one important point. In the string or in the light or massless string, massless string, tension is same everywhere. Clear to you? Okay, fine. So today we end our discussion here. And in the next video, we'll discuss more interesting and important points. Okay? Thank you. And Namaskar.